हाय नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज 28 जुलाई की सुबह, कल फाइनल फैसला हो गया है। और साथ में जैसा कि मैंने आपको कल वीडियो में बता दिया, तकरीबन 4 लाख बच्चों के 5 नंबर कम होंगे। तो कई हमारे भी क्लाइंट्स और लोग कमेंट्स कह रहे हैं, सर मेरी रैंक का क्या होगा। देखिए, बहुत एग्जिट करना मुश्किल है। और जैसा कि हम जानते हैं, हम कोई 2-3 हज़ार बच्चों का काम तो करते नहीं है 10-10 हज़ार रुपये लेके कि खाली आपको व्हाट्सएप भेजते रहें। क्योंकि हम 100 लोगों का काम करते हैं, तो मेरे पास 100 के ही फिलहाल तो 86 के एग्जैक्टली, टू बी एग्जैक्ट 86 हमारे फुल टाइम क्लाइंट हो चुके हैं। 14 और होते ही जैसा मैंने कहा, हम क्लाइंट लेना बंद कर देंगे। तो उनके जो मास्क का मैंने आइडिया लगाया, और फिर भी आइडिया, क्योंकि देखिए परफेक्ट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं होता। हर नंबर पर ना 2.5 से 3 हज़ार बच्चे ऑल इंडिया रैंक है, मतलब 400 पे, मतलब एग्जैक्ट मैं आपको बताऊँ तो भाई 220 नंबर पे समझ लो 3 लाख रहेंगे, 8,97,000, ठीक है। और फिर 238 नंबर पे 8,20,000 थी, तो तकरीबन मतलब एक इसमें तो 80,000 रैंक कम हो रही है 20 नंबरों पे। तो वो देखा जाए तो बल्कि हर नंबर पे 4,000 बच्चे हैं। पर फिर मैं थोड़ा सा और करा, 330 वर्सेस 370, तो 40 नंबरों पे कोई 1 लाख रैंक कम हो रही थी एग्जैक्टली 44 और 3 34। तो भाई ढाई, तो सही बताऊँ तो 2,500 से 3,000 से 3,500 है हर नंबर पे। तो देखिए, ऐसा घबराने की बात नहीं है कि रैंक में कुछ 4 लाख का फ़र्क आ जाएगा। 4 लाख बच्चों के माइनस 5 होंगे, ये तो ये समझ लीजिए। तो समझिए, आपके 331 नंबर हैं, आपकी रैंक 5,34,000 थी। अब जिसके 380 नंबर थे और उसके 5 नंबर कम होंगे, तो आपको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा ना 331 वाले को, क्योंकि वो 380 वाला 5 नंबर कम होंगे भी आपसे तो ऊपर ही, उसकी रैंक आपसे ऊपर है। आपको फ़र्क पड़ेगा अगर आपके 331 थे और 332, 33, 34 वालों के जब 5 नंबर कटेंगे, वो सारे आपसे नीचे आ जाएंगे, ठीक। अब जैसा मैंने कहा, हर नंबर पे 3,000 थे एवरेज, तो आपसे ऊपर अगर, और हमें, और अब रेशो, अब मुझे नहीं पता कि 4 लाख बच्चे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इनमें से कई हो सकते हैं जो नॉन क्वालिफाइड हो, है ना। तो 4 लाख समझ लीजिए 23 लाख का एक मोटा मोटी, वैसे तो 15% होता है 1/6, 17% अपन 20% मान लेते हैं। तो 20% बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबरों पे फ़र्क पड़ेगा। तो आपके 330 नंबर है, आपके ऊपर जो 336 नंबर पे 5 नंबर थे, उनमें अगर 15,000 बच्चे थे, तो उनमें से 3,000 बच्चे थे जिनके नंबर कम होंगे, ठीक है ना। 20% अगर हम रफली माने, क्योंकि कुछ बच्चे तो आपके नीचे ही थे पहले जिनके नंबर कम हो रहे हैं, कुछ आपसे बहुत ऊपर है जिनको आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, और ये सब रफ एस्टिमेट है भाई। तो आपसे ऊपर 5 नंबर तक, 331 से 335 आपका स्वीट स्पॉट है ना, वो सब आपके नीचे आ जाएंगे। तो इन 32, 33, 34, 35, 4 नंबरों पे अगर 12,000 है, उनका 20% तकरीबन 2,500 बच्चे, तो ये 2,500 बच्चे अगर आपके नीचे आएंगे, तो आपकी रैंक 2,500 से इम्प्रूव हो जाएगी। और ऐसा ही सरकारी में होगा, लेकिन ऊपर की तरफ इतना स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ना। वहाँ पर 100 हर नंबर पर 200-300, 600 बच्चे हैं, 3,000 नहीं हैं। तो वो जो सरकारी की कट ऑफ्स है, उनको बहुत महीन देखना पड़ेगा। बट देखो, ये भी मैं कहता हूँ कि 2 दिन में तो पता चल ही जाएगा रैंक में क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ये सब तो 2 दिन की एक्सरसाइज होती है। लेकिन चूंकि आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, मेरे क्लाइंट पूछ रहे थे, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैंने सबको तो ये कहता हूँ, अरे 3 दिन में तो नया स्कोर कार्ड आ ही जाएगा ना। बट फिर भी जिसने सुनना है, तो जिसने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करा था, पहली बात तो ये है, तो उसको ये फ़ायदा होगा 2,500 रैंक के आसपास का। क्योंकि जो आपके ऊपर 12,000 बच्चे थे, उसमें से 20% एवरेज में मान के चल रहा हूँ, मैं उनको भी ले रहा हूँ जिनके नीट में 50-60 नंबर थे। वैसे हो जनरली शायद ऐसे बच्चों ने क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं करा होगा, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिसने पेपर अटैम्प्ट नहीं किया था, ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया था, उसकी पक्का रैंक बढ़ेगी। पहले तो ये तसल्ली कर लो, क्योंकि मेरे को तो ये फ़ोन आ रहा है, सर मेरी रैंक कम तो नहीं हो जाएगी, रैंक अच्छी हो जाएगी मतलब। और 3,000 से, तो अगर आपकी रैंक 3,30,000 थी, तो अब 3,27,000 होगी, बढ़ने का मतलब ये होता है कि अच्छी होगी रैंक, गिर नहीं रही है, अच्छी हो रही है। तो जिन लोगों ने क्वेश्चन ये वाला अटैम्प्ट ही नहीं किया था, और वो तो सेफ हो गए। सिमिलरली बाकी जिन्होंने अटैम्प्ट किया था और या नहीं किया था, उनके मार्क्स तो सेम है। जिन्होंने दूसरी ऑप्शन की है जो करेक्ट ऑप्शन है, उनके मार्क्स से चेंज हो रहे, जिन्होंने अटैम्प्ट किया था उनके मार्क्स से चेंज हो रहे। इन सब की रैंक 2,500 से 3,000 बननी चाहिए, अगर आप मिडल रेंज में 300-400 वाली में, अगर 650 वाली रेंज में है, तो फिर 2,500 का फ़र्क नहीं पड़ेगा। तब प्रपोर्शनेटली 50 का 100 का 150 का फ़र्क पड़ेगा, जो भी उस लेवल पे वहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और कंपटीशन है। जैसे मैंने कहा नहीं, 700 720 में इतने बच्चे नहीं है ना जितने
300 या 320 के बीच में होते हैं, तो उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगा। सबसे बड़ा टेंशन किसको होनी चाहिए, जो दोनों जस्ट क्वालिफाइड है, कैटेगरी क्वालिफाइड भी या नॉर्मल क्वालिफाइड भी, क्योंकि अगर आपके 165 नंबर थे और आपने क्वेश्चन करा था दूसरे ऑप्शन वाला, आपके 5 नंबर कम होती है, अब 160 पे आ जाओगे, ऐसे बहुतों के कम होंगे। तो ये भी हो सकता है कि अब बिकॉज देखिए लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था बात सिर्फ 1563 बच्चों की थी, तो 1563 बच्चों में से चेंजेस हुए किसी के, बल्कि जिसे ग्रेस मार्क छोड़े उसके तो कम हो गए थे, और 700 बच्चों ने पेपर किया। तो चूंकि हमने वही कहा हर नंबर पे 2,500 बच्चे होते ही हैं, 3,000 बच्चे होते हैं, तो वो नंबर 164 ही रहा था लेट्स से फॉर जनरल क्वालिफाइड, क्योंकि तब बात थी 1563 बच्चों की, अब बात आ गई है 400,000 बच्चों की। तो डेफिनेटली क्वालिफाइंग स्कोर चेंज होगा श्योर, और चूँकि सबके नंबर कम हो रहे हैं तो होना तो चाहिए कि एक या दो नंबर कम होगा, तो आप में से वो बच्चे फिर से जो 163 पे अटक गए थे, 162 पे अटक गए थे, और जिनके नंबर कम नहीं हो रहे हैं, मतलब वो 162 रहेंगे, वो शायद क्वालिफाई हो जाएं, ऐसे ही लॉजिक कैटेगरी क्वालिफाई में चलेगा। लेकिन जो 165 वाला था और जिसके नंबर कम होने वाले हैं, उसके लिए चिंता का विषय है, तो अब वो नॉन क्वालिफाइड में आ जाएगा, सिमिलरली कैटेगरी क्वालिफाइड। तो जो भी आपके फ्यूचर प्लान्स हैं वो आप ऑलरेडी 2 दिन में उसके हिसाब से थोड़ा सा सोचना शुरू कर सकते हैं, जैसा मैंने कहा 2 दिन में फैसला चल ही जाएगा, लेकिन डेफिनेटली क्वालिफाई स्कोर अब चेंज होगा, गिरेगा 2 नंबर से, तो सबको फ़ायदा नहीं है। तो पता चले कि आप में से किसी के 163 नंबर थे और उसके भी 5 नंबर कम होने वाले हैं, तो वो तो और नीचे ही जाएगा ना। फ़ायदा होगा 163-162 वाले को, जिसने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया था, या जिसके नंबर कम नहीं हो रहे हैं बेसिकली, या जिसने ऑप्शन 4 सिलेक्ट की थी मतलब ठीक वाली, या जिसने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करा था, वो तो सेफ है। बेसिकली शान भाषा में आपके -5 नहीं होने वाले, क्योंकि जिसने ये ऑप्शन सिलेक्ट की थी उसके 4+1-5 होंगे ना, तो -5 इज़ ए वेरी बिग थिंग। तो 165 और 166 वाले अब डेंजर में, 164 वाले जिन्होंने ये सेकंड ऑप्शन इस्तेमाल करके जिनको फ़ायदा हुआ था, क्योंकि उनके पक्का -5 होंगे, क्वालिफाई स्कोर भी गिरेगा, पर स्कोर गिरेगा 1 या मैक्सिमम 2 नंबर से। तो 164, एक मेरे चैनल में एक बच्चा था 164 वाला, और अगर उस बच्चे के नंबर कम होने वाले हैं तो उसके लिए चिंता का विषय है, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करेगा आज के लिए, बाकी कोई परेशानी की बात नहीं है, अब सब क्लियर हो गया है। जैसा कि मैंने कहा, चूँकि दोबारा रैंक कार्ड आना है, दोबारा क्वालिफाइंग स्कोर आना है, तो उसकी वजह से अब एनटी को भी देखिए, उन्हें कंप्यूटर चलाना पड़ता है, उन्हें तो बड़ा आसान है, जिस भी बच्चे को दिया था ये अब उनके मार्क्स हटाएंगे, रिजल्ट लाएंगे। तो अगर आज वेडनेसडे है तो मेरे ख्याल से रिजल्ट मैक्सिमम कल या परसों में आ जाएगा। एमसीसी अपना ब्रोशर भी रिलीज़ कर सकती है कल या परसों में, जो सबसे पहले ब्रोशर आता है, मंडे से वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं, और 29 से अगर एमसीसी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेगी तो स्टेट्स काउंसलिंग अराउंड 10 अगस्त को चालू हो जाएगी, एंड अगेन वी आर ऑन द राइट ट्रैक कि 30 सितंबर तक सारा काम खत्म हो जाए। और फिर से जो मैंने हर वीडियोस में कह रहा था, प्लानिंग करके रखिए, डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखिए, जिसको NRI गार्जियन सीट्स चाहिए वो गार्जियन NRI बना के रखिए, जिसे NRI फर्स्ट ब्लड सीट्स चाहिए वो फर्स्ट ब्लड पेपर्स बनवा के रखिए, और तो कोई देखिए प्रिपरेशन होती नहीं है, फंड्स अरेंज करके रखिए, जो लोग अपग्रेड करके बेस्ट सीट के लिए गेम खेल, मतलब गेम इज़ नॉट द राइट वर्ड बट खेलना चाहता है, जो अपने क्लाइंट्स को समझाता हूँ, वो एक्स्ट्रा फंड का इंतजाम करके रखिए, डबल फीस का इंतजाम करके रखिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जैसा मैंने कहा एग्जैक्ट 14 सीटें बची हैं, तो जो हमसे संपर्क करना चाहता है मेरे ख्याल से अगले इसी हफ्ते में ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद हमने पहले कह दिया कि हम वो 2,500 और 5,000 वाली कॉल की मीटिंग का तो प्रोडक्ट बंद कर देंगे, और शायद फुल काउंसलिंग भी नहीं दे पाएंगे आपको। कुछ हमारे क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जो सिंगल स्टेट के हैं, सिर्फ UP के हैं, तो आई थिंक उनको राउंड वन में जब सीट मिल जाएगी तो वी माइट हैव फ्यू मोर सीट्स एट दैट टाइम, वो देखेंगे, बट एक बार शायद हम 31 जुलाई को न्यू क्लाइंट्स लेना बंद कर देंगे। बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक। 9643362320 इज़ अवर नंबर, बाकी सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई हैं, और ज़्यादा मत घबराइए, खुशी की बात है जिनका रिजल्ट आ रहा है, और जो लोग रीड चाहते थे, जो लोग डिसक्वालीफाई हुए थे, सॉरी अनक्वालीफाइड थे, या मैं बार बार कह रहा हूँ 630 से 650 वाले, प्लीज़ अब तो CBI इंक्वायरी भी हो गई, बस 2 लाइनें समझ लीजिए, पेपर आसान था, जब पेपर आसान होता है, पिच आसान होती है, तो रहाने भी सेंचुरी मारता है, एज ए बैट्समैन पुजारा भी सेंचुरी मारता है, सचिन और विराट तो मारते ही हैं, तो आसान पेपर में बल्कि अच्छे बच्चों का नुकसान हो जाता है, या जो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, बिकॉज गुड बच्चे भी अच्छे स्कोर ले ला सकते हैं ना, क्योंकि टफ क्वेश्चंस हटा दिए गए थे, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।